बरेली शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णकांत शर्मा क्षेत्र में जमकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने शहर के हुसैन बाग, लीची बाग, किला छावनी आदि क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने गलियों में घूमकर लोगों की समस्याओं को करीब से देखा, साथ ही जीतने के बाद उनका समाधान कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, जनता पूरी तरीके से कांग्रेस को समर्थन दे रही है। जहां आप चले जाइए आपको कोई आदमी ऐसा मिलता नहीं है एक आध को छोड़ के कि जो कांग्रेस को समर्थन। हमारा एजेंडा है कि सबसे पहले यहां पर रोजगार के साधन, जो कांग्रेस के जमाने में जितने साधन उपलब्ध हुए थे वो सब अब बंद है। उसी तरीके से कांग्रेस की रिजीम आएगी तो उस तरीके के बड़े बड़े कल कारखाने यहां पर लगेंगे। कांग्रेस ने इस शहर को नायाब कारखाने दिए, उसमें से अभी दो कारखाने चल रहे हैं। एक रेलवे का कारखाना चल रहा है इज्जत नगर, और एक आंवला में आपका फर्टिलाइजर का कारखाना चल रहा है। बाकी सब कारखाने, चाहे आपकी फैक्ट्रियां हो, सिंथेटिक एंड केमिकल हो, बिम्को हो, और बहुत सारी ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं वो सब बंद हैं। तो इस तरीके के कल कारखाने लगाने का हमारा प्रयास है। दूसरे, प्रियंका जी ने वायदे किए हैं, वो वायदे सारे हमारे। कृष्णकांत शर्मा के समर्थन में क्षेत्र के प्रबुद्धजन ने लोगों से वोट डालने की अपील की। चंद्रनगर है, लीची बाग है, छावनी है, फूल बाग है, खड है, और एरियाज हैं, और अभी भी इनका जनसंपर्क डोर टू डोर जारी है। और जैसा समर्थन मिल रहा है उससे यही लगता है कि इनकी सीट कोई नहीं। लैंप लाइट में आकर के चुनाव, साथ ही उन्हें युवाओं का समर्थन भी मिल रहा है। जो विधायक होते थे, जो सांसद होते थे, जो नेता होते थे, उनकी पत्नियां, उनकी पुत्रियां उनके नाम पर चुनाव लड़ती थी, उनके नाम पर प्रचार करती थी और उनके कारण जीतती थी, और जीत करके भी उनके पास कोई ताकत नहीं होती थी। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी जो हैं, जो महिला प्रत्याशी कांग्रेस ने लाए हैं, या जो प्रियंका गांधी जी ने जो काम करने की कोशिश करी है, जो सशक्तिकरण दिया है, वो बहुत अहम है। और हर एक व्यक्ति, जो चाहे जो हर एक समाज का हो, उसको ये लग रहा है कि हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो हमें मिल सकती हैं, जो विकास है वो हो सकता है। और अगर हम देखें तो एक जो विकास की जो बात थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के शासन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जा चुकी है। तो एक बार ये कांग्रेस की सरकार जब दोबारा यहाँ पर गठित होगी, उसी के बाद एक विकास की धारणा उत्तर प्रदेश में दोबारा हमें देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के जाने के बाद से धर्म और जाति की ही राजनीति प्रदेश में चली है, और कांग्रेस के आने से ही विकास। बरेली लाइव की रिपोर्ट।